हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है, जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि फैसले का अध्ययन करने के बाद इसके खिलाफ बड़ी बेंच में अपील की जाएगी। अगर हमारे हक में फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बता दें, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने की बात भी कही है। दरअसल अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दाखिल कर इस एक्ट को चुनौती दी थी, जिसके बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने इसको लेकर आदेश दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए मदरसों का प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने के औचित्य पर सवाल उठाए गए थे। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसे को अनुदान दे रही है और भाषाओं के आधार पर उनका बढ़ावा कर रही है। ऐसे ही संस्कृत की पाठशाला में भी अनुदान और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि मदरसा बोर्ड, संस्कृत पाठशालाएं या गोकुल विद्यालय को बढ़ावा मिलना चाहिए, जबकि यह सरकार का हक है कि समय समय पर जांच करे कि वहां पर क्या और कैसी शिक्षा दी जा रही है, साथ ही शिक्षकों की क्या योग्यताएं हैं और मदरसों या पाठशालाओं की व्यवस्थाएं कैसी हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि कोर्ट में इस मामले को धार्मिक बुनियाद पर दर्शाया गया है, इसके लिए अगली आला बेंच में दलीलें रखी जाएंगी और हमें उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश का एक मामला चल रहा था, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला दिया है। यह फैसला का अध्ययन करने के बाद इसके खिलाफ अपील की जाएगी और बड़ी बेंच में अपील की जाएगी, और यहां से भी अगर मदरसों के हक में फैसला नहीं आएगा तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसका माहिरीन कानून अध्ययन कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, उसके बाद बहुत जल्द ही हम इसको अपील करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों में जो एजुकेशन दे रही है वो लिसानी बुनियादों पर है, यानी भाषा की जुबान पर है। भाषा को बढ़ावा देना, उसकी तरक्की देने के नाम पर मदरसों को ग्रांट दी जा रही है, मदरसों को अनुदान दिया जा रहा। ऐसे ही संस्कृत की पाठशालाओं को भी ग्रांट अनुदान दिया जाता है। तो चाहे संस्कृत की पाठशालाएं हो या गोकुल एजुकेशन हो या मदरसा एजुकेशन हो, तो ये भाषाओं को बढ़ाने के लिए, तरक्की देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं और वो इसका काम करती हैं। इसी बुनियाद पर संस्कृत बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, और ये मदरसे या संस्कृत की पाठशालाएं ये सब इसी के अधीन चलती हैं और एक सिस्टमेटिक चलती हैं। हाँ, जहां तक बात है जांच की, तो जांच में कोई शक नहीं है, जांच करना चाहिए और जांच पड़ताल से ही तमाम चीज़ें, रख रखाव कैसा है, एजुकेशन कैसी दी जा रही है बच्चों को, स्टाफ कितनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, मदरसे का या पाठशाला का ढांचा किस तरीके से है, ये तमाम चीज़ें निकल के आती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है और ना हमें कोई आपत्ति है कि जांच ना की जाए। जांच बेशक की जाए और कई मरतबा जाँचें हो चुकी हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी हुकूमत का अहलकार मदरसे में आ सकता है और जांच पड़ताल कर सकता है। इसके लिए हमारे सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो लिसानी बुनियाद पर, यानी भाषाई बुनियाद पर कोर्ट में ये मामला चल रहा था, तो कोर्ट में जो दर्शाया गया वो इस बुनियाद पर नहीं दर्शाया गया, उसको धार्मिक शिक्षा के तौर पर दर्शाया गया। तो इसलिए कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है। अब उसको मजबूती के साथ अपनी दलीलें अगली आगे आला बेंच में रखी जाएंगी और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा।